भैया भैया मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है भैया, मुझे एक घूंट पानी पिला दीजिए भैया। अरे बाबा, तू क्या जानती है? मैं जानता हूं, तुझे क्या पता, ये भी आवाज जंगल है। इस जंगल में तुझे खाना और पानी कहां से मिलेगा मेरी बहन? अरे आप मुझे घूंट पानी नहीं पिला सकते भैया। अरे आज आपके बहाने घूंट पानी नहीं पिएगी भैया। आज आपकी बहन आपको छोड़कर बहुत दूर चली जाए। नहीं बहन, आखिर तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है रे? तुझे क्या पता है, ये भी हमारा जंगल है और इस जंगल में तुझे खाना और पानी कहां से मिलेगा? वो भी हमारा जंगल मुझे दिखाई दे रहा है। चल उस दूर बस्ती में चलेंगे तो मैं तुझे खाना और पानी जरूर खिलाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पर खाना और पानी नहीं मिल सकता। चल मेरे साथ। भैया आप मुझे रिहा करता जा रहे भैया। अरे आज भूख प्यास के मारा मेरी जान तड़प रही है भैया, मुझे एक घूंट पानी पिला दीजिए भैया, वरना आज आपकी बहन आपको छोड़कर बहुत दूर चली जाएगी। आप दोबारा परिवार नहीं बे, आज तेरा भाई इस दुनिया में जिंदा है तो तेरी बदौलत मैं जा रहा हूँ खाने पानी लाने के लिए, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मेरे जाने के बाद ये बियाबान जंगल है, तुझे क्या पता मेरी बहन? अरे तो को तुझे क्या पता मैं खाना और पानी लाने के लिए जंगल है, इस जगह से दूर मत जाना। अगर मैं पानी और खाना लाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अपना क्या रखना, ये भी आबाद जंगल है, ये परम पिता परमेश्वर इतने पुरानी कहलाई तारा है मालिक। अब अपनी बहन को तुम्हारे तारे पर छोड़ मेरी यार, मेरी बहन की रक्षा कर। भगवान मैं जा रहा हूँ, मेरा और मेरी बहन की रक्षा करना, आज तुम्हारे सारे पर अपनी बहन को छोड़ करके जा।
आभा काहे बा यह तो है आदर नीक ना लगा जब देखा तो दस साल बदतमीज हराम खोर अरे कहा मतलब है तब हटा बगल मतलब कहे करता है का मतलब साले तो अनहर बन के चलता है आंख मून के चलता है अब इस घने घर बियाबान जंगल का रास्ता नहीं कोई लड़की बैठी हुई है बे ओ अनिक कोई लकड़ी है लकड़ी नहीं साले मार दूंगा सीधा चैला हो जाएगा बदतमीज साले लड़की है बे लड़की औरत है नहीं कहां बा इधर आ हम तोरे पीछे मार दूंगा साले तो मोहलाल टेम हो जाएगा बदतमीज साले देख बाबू साहेब आज कल दोपहर का मन करी बा हिया से पेल भागा काजनी भूत पर साले ये बंदूक पकड़ बे इस लड़की से हम दो बात करेंगे बे इतवार राम फल पकड़े हाँ। राम फल नहीं साले सीधा दया राम को बोल राइफल कहा जाता है वे राइफल जे आए हम डाका सर तो हाँ लड़का बच्चा अनाथ हो जही कटोरा लेके है बे रोड पे भीख मांगी ऐसे चली बे तब कैसे अरे साले साला मर जाए तू रे साला कहा दादा फिन खा फिन ना मैं साला नहीं जानता है बात में सीधी कर साले बंदू ऐसे बैठ जाबे हेलो मैडम जी हम कह रहे हैं साले जो चीज आता नहीं तो कहे को परेशान रहता है बे बोलने से हा? कब अरे मैडम जी हम जानना चाहते हैं तुम्हारा शुभ नाम क्या होगा और तुम रहने वाली कहाँ की हो क्योंकि इस घने घेर बियाबान जंगल के बीच रास्ते में तुम अकेली बैठी हुई हो बोलो बाबूजी तुम्हारा नाम ज्योति है मास्टर खोलो आरु मैं कर कैसे खा रहे हो ओके नाम ज्योति बा हमारा नाम नेता बा यह देखा सारे का हेलो हेलो ये सारा वोट मांगा या यह नेता बन के ओके नाम ज्योति है तो तुम्हारा नाम नेता है अपन माइक ठीक करा अरे बाबूजी माता जी लगाओ फतनपुर की रहने वाली तुम्हारा नाम ज्योति है हाँ बाबू जी और मेरा भाई दीपक मेरे लिए पानी लाने के लिए गया है और भूख प्यास के मारा मेरी जान निकल रही है अरे ज्योति तो पागल हो रही है तुझे खाना भी मिलेगा पानी भी मिलेगा लेकिन हम तुझसे दो बात करना चाहते हैं क्या हमारी बात को सुनकर बुरा तो नहीं मान जाओगी बाबूजी अरे कौन सी बात है बाबूजी बोलो बाबूजी अरे ज्योति ज्योति नजर ने मुझे तुम्हारे बाप को बाप नहीं बनते लड़के रहते ना तुम्हारी का
तुम्हारी नजर ने और मुझे मार डाला, और कसम से ये मेरा जिगर फाड़। अरे छलकती हो प्यारी, अरे रस की गागर छलकती हो प्यारी, और तेरी नजर ने मुझे मार। खाना भी मिलेगा, खाना के साथ साथ तुझे ऐसा आराम भी मिलेगा। अरे आखिर ना देखा था बच्चली, चला साले हमको उसके आंखों से क्या मतलब है बे? ना देखा मार दूंगा साले, दिमाग साले रह जा। ज्योति तुझे मालूम होना चाहिए ये शराबी बाबू सागर सिंह है, ये शराबी बाबू सागर सिंह है। और सागर सिंह के दिल दिमाग में जो चीज आ जाता है ना, जब तक उसे हासिल नहीं कर लेता तब तक उसे चैन से रहने नहीं देता है रे। बोल, अगर अपने सुख चैन को चाहती है तो तुझे मेरे साथ में एक रात के लिए मेरी हवेली पे चलना होगा। बोल। तू क्या कह रहा है? अरे ती मर जा रही, ये तो ती अपनी जान दे देगी, लेकिन तेरी बात कभी नहीं मानेगी। अरे ये ज्योति अपनी जान दे देगी लेकिन अपनी शान कभी नहीं जाने देगी। अरे ज्योति अगर तू अपनी शान को नहीं जाने देगी ये शराबी बाबू सागर सिंह और तेरी असमत को ऐसे लूट लेगा रे, ऐसे लूट लेगा कि दुनिया में तू किसी के सामने अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। ज्योति रानी ज्योति रानी मेरी ज्योति रानी कहा मन जब ज्योति रानी कहा मान जाओ अपना सहल मुझे
की रानी ज्योति रानी कहा मन जब ज्योति रानी कहा मन जब अपना सहर मुझे बोल हमरा कहना मानेगी रे कि अपनी इस गौरी बदरिया को दुर्दशा कराएगी रे बोल बाबू साहेब एक बात जान मैं तेरी बात कर अरे मर जाऊंगी मैं अपनी जान दे दूंगी तेरी बात नीच कमी ने सुगा मेरी बात को नहीं मानेगी ना बगल हराम जादी को ले चल हवेली पे क्या तेरे घर में तेरी माँ बाप नहीं है क्या ये कुत्ते इधर आ बे क्या कह रही बे बाबू साहब अजीब अजीब बात कहा थी बा बता दे बेटा एका का भैया हरे काका दादा हरे माई बहनी हरे आप लोग सुना ये पगली कह रही बे का तोहरे लोग के घर में माई बहन ना आई बाटे अगर एक पता हो कि अगर हमारे लोग के घरे में अगर माई बहन होती न तो हिया का करे आई टूटे काम चलाई ले हम जितना बनाते हैं सालों उतना आके लीप देता है गाड़ी पर अटका तो चल बत्ती में हमारी बात का तुझे नहीं मंजूर है ना पगल साली का चल साली का हवेली पे इसकी भारी जवानी के साथ में वही ऐसा आराम किया जाएगा बे उधर साली का उड़ा अभी तक तो आप लोगों ने बाबू सागर सिंह की बेईमानी देखा अब आप लोग हरामी पना भी देखेंगे ये बाबू सागर सिंह इसके साथ में कैसे ऐसा आराम करेगा किस तरीके से इसके जवानी के साथ में आनंद लेगा अब बाबू सागर सिंह चलता है फिर मिलेगा दो मिनट के कितना मजा आया बे हाँ
अभी कहा मजा आया, मजा तो अब आएगा बे। अरे चौके और खड़े क्या कहा बे, पागल हो रहा है बे? यह बात तो तूने दिमागदारी की बोला बे, क्योंकि इसकी दशा खराब हो गई है। अब यहां से चला जाना ठीक ही है ना? आज जो कुछ मेरे पास है, अरे ओ बे तूने मुझसे छीन लिया है मालिक। अरे इससे अच्छा है कि तू मेरी यही पर जान ले ले, मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। या मालिक, आज तुम मुझे इस दुनिया में जीने के लायक नहीं छोड़ा, आज तूने मुझे बर्बाद कर दिया है। अरे मुझे नहीं बचा सकी तो कोई बात नहीं है बात, लेकिन आज तेरी बेटी तेरे आगे दामन पसार कर भी बाप रही है कि आज तो अपने बेटी को अपने पास बुला ले। तेरी बेटी यही पर अपनी जान तेरे जाए है। रुकिए रुकिए देवी जी, रुक जाइए, रुकिए रुकिए। आप इस तरह से अपनी जान दे रही हैं, आखिर अपने जान किस लिए आप गंवाना चाहती हैं, क्या बात है? बाबूजी आप जानना चाहते हैं कि आज मैं अपनी जान क्यों दे रही हूं? अरे आज
इस दुनिया में मैं जीने के लायक नहीं हूँ, इसलिए आज मैं फांसी लगा कर अपनी जान देना चाहती हूँ, क्योंकि सागर पे मेरा अब कोर मुझे दुनिया में जीने के लायक नहीं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, अरे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। साफ साफ बोलो, तुम्हारे साथ में हादसा क्या हुआ, कैसे तुम इस तरह से व्याकुल हो गए हो? बाबूजी आप जानना चाहते हैं, बाबूजी हम भाई बहन घर से निकल पड़े और जंगल में मेरे बहुत जोरों से प्यास लगी, बाबूजी मेरे भैया मेरा दीपक मेरे लिए पानी लाने के लिए चला गया और इतने में जंगल में सागर सिंह राम को आ गया और वो मेरी इज्जत बर्बाद कर डाला मुझे। क्या तुम्हारा एक छोटा भाई जिसका नाम दीपक है और तुम्हारा भाई पानी लेने के लिए कहाँ गया और तुम इसी जंगल में थी और हरामजादा सागर सिंह शराबी आया तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तुम्हारी इज्जत लूट लिया? हे भगवान, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा शुभ नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम ज्योति है बाबू, और मैं पतनपुर की रहने वाली हूँ बाबू। तुम्हारा नाम ज्योति है, तुम फतनपुर की रहने वाली हो? हाँ बाबू। नाम तो तुम्हारा ज्योति है और तुम्हारे आंखों में रोशनी नजर नहीं आ रही है, तुम एक अंधी लड़की हो, लाचार लड़की हो, तुम्हारी इंसानियत के साथ उसने हैवानियत किया है। देखो ज्योति, मरने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, मैं तो एक पेशे से एक डाकू हूं, बाकी पूरी हकीकत बाद में बताऊंगा। चलो मैं तुम्हें मां के मंदिर में ले चलता हूं, उसके बाद में पूरी हकीकत बताऊंगा। चल बहन चल मेरे साथ चल।